नमस्कार, विनय क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रश्नावली 7.1, प्रश्न संख्या 12। इस प्रश्न में देखो, यहाँ LHS है और ये क्या है? RHS। हमें LHS लेना है और क्या लेके आना है? RHS लेके आना है। तो चलो LHS लेते हैं अपन। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात समझाना चाहूँगा, तभी ये प्रश्न समझ में आएगा, नहीं तो प्रश्न समझ में नहीं आएगा। अब वो क्या है देखो, यदि मेरे पास 2x है, ठीक है, और अगर मैं इसमें 5 जोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं कर सकते अपन, 5 अपनी मर्जी से नहीं जोड़ सकते। तो अगर मैं 5 वापस इसको घटा देता हूँ, तो 5 में से 5 गया 0, उत्तर वापस मेरे पास क्या आया? 2x ही आया, है ना। तो ऐसा मैं काम कर सकता हूँ कि कोई भी संख्या अपने हिसाब से जोड़ सकता हूँ और कोई भी संख्या अपने हिसाब से घटा सकता हूँ, है ना। इसके साथ ही हमने एक सर्वसमिका देखी थी, क्या थी? a की घात 2, ए प्लस बी की घात 2 बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये सर्वसमिका हमें याद है। अब इस समीकरण सर्वसमिका का प्रयोग इसमें होगा कैसे, देखो ये प्रश्न है। जैसे कॉस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा, मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर की घात स्क्वायर, वापस देखो 2 × 2 = 4, घात 4 होगी, यानी मैं ऐसा इसको लिख सकता हूँ, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी भी घात कितनी हो गई? 2। लिख सकते हैं अपन ऐसा। अब मैं अपनी मर्जी से जो है एक संख्या जोड़ूंगा और एक संख्या घटाऊंगा, वापस 0 हो जाएगा, यानी ऐसा हम कर सकते हैं। क्या करेंगे देखो, मैंने एक बार जोड़ दिया 2 sin θ² स्क्वायर लगा देते हैं इस पर, 2 sin² θ इंटू 2 cos² θ, ये तो जोड़ दिया। अब वापस घटाना भी पड़ेगा क्योंकि तभी ये सही होगा, है ना, बैलेंस होगा। तो एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा देते हैं इसी को, 2 sin² θ इंटू, ये 2 हटा देता हूँ, cos² θ। एक बार ये संख्या जोड़ी और एक बार इसको वापस घटा दी, ऐसा करने से ये वापस क्या हो गया? 0 हो गया, इसमें से ये पूरा चला गया और वो के वो अपने समीकरण बन गई जो पहले से थी, है ना, वो के वो अनुपात बन गया जो पहले से था। अब क्या करेंगे देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो ये है a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस यहाँ पर 2, इसको क्या माना मैंने? a माना, इसको b माना, b और cos को क्या माना? a। तो ये सूत्र बन रहा है देखो, a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab या ba किसका है? बराबर a + b की घात 2, इसी का फॉर्मूला है। अब a मेरे पास क्या है? cos² θ, और b क्या है? sin² θ, यही है ना। तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो अब मैं इस पूरे की जगह ये लिख रहा हूँ, कोष्टक ब्रैकेट और होल स्क्वायर। a क्या है मेरे पास? cos² θ, तो यहाँ मैं लगा रहा हूँ cos² θ, प्लस b क्या है? sin² θ, तो यहाँ लगा रहा हूँ sin² θ। और इसका तो सॉल्यूशन कर दिया अपन ने, कहाँ से आया? ये सर्वसमिका से, है ना। अब बच गया कौन? ये माइनस वाला भाग, तो इसको वापस लिख देता हूँ, -2 sin² θ इंटू cos² θ, हो गया। अब देखो, हमने एक सूत्र पढ़ा था सर्वसमिका में कि sin² θ प्लस cos² θ, इसका रिजल्ट कितना होता है? 1 होता है। सूत्र तो याद करने पड़ेंगे, है ना। तो इसका मान कितना आ गया अपने पास में? 1 आ गया, और 1 की घात 2 -2 sin² θ इंटू cos² θ। अब क्या करेंगे, 1 का वर्ग कितना होता है? 1 ही होता है, तो 1 - 2 sin² θ इंटू cos² θ, यही हमें लाना था। कुछ नहीं, यहाँ साइन आगे ले लिया, कॉस पीछे ले लिया, तो कॉस यहाँ वापस आगे ले लो और इसको पीछे ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास LHS बराबर RHS। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न में LHS लेना है और क्या लेके लाना है? RHS लाना है। इस प्रश्न को समझने के लिए हमें कुछ सूत्रों की आवश्यकता होगी। क्या सूत्र है? कि sec θ बराबर होता है 1/cos θ, tan θ होता है sin θ/cos θ, cot θ होता है cos θ/sin θ। क्यों? क्योंकि मैंने ये बात पहले ही बता दी थी कि जो पद sin θ या cos θ में नहीं है, उसे पहले sin θ और cos θ में बदलना है। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या है? sec θ, इसको क्या लिख सकता हूँ? 1/cos θ,
माइनस, यहाँ कॉस थीटा है पहले से तो इसको बदलने की जरूरत नहीं, इसके अब नीचे बट्टा एक लगा देना, क्यों, क्योंकि हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद कॉस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, प्लस इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। कहाँ से आए ये हमारे पास फॉर्मूले हैं, किसकी जगह क्या लिखना है वो आना चाहिए आपको। अब इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम, इन दोनों के बीच इनटू लगा ही देते हैं ना, ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो। कैसे करना है एलसीएम, इन दोनों का तो करो गुणा और यहाँ लिख दो, कॉस थीटा का एक से गुणा किया कितना आया, कॉस थीटा ही आएगा। अब इसका क्रॉस गुणा करो, एक इंटू एक, एक माइनस कॉस थीटा का गुणा कॉस थीटा से, वर्ग हो जाएगा कॉस की घात दो थीटा। अब इन दोनों का गुणा करके नीचे लिखो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्रॉस गुणा, इसका इससे होगा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, वर्ग हो जाएगा, प्लस इसका भी वर्ग हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब एक फॉर्मूला और देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक होता है। तो यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। और इसकी जगह भी अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो ये फॉर्मूला तो एक यूज आ रहा अपना, और अब क्या करते हैं यहाँ पर है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या किया, इस कॉस को अगर अपन वहाँ भेज दे, उस तरफ भेज दे, तो साइन तो अपनी जगह ही है साइन स्क्वायर थीटा, कॉस वहाँ चला गया पहले से एक है, और कॉस उधर प्लस का जाके क्या हो गया, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह भी अपन क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो अब इसकी जगह तो एक आ गया, और इसकी जगह क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। चलो लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इंटू, इसका उत्तर कितना आया, एक, एक बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। अब देखो इसको सरल करते हैं, देखो एक साइन से एक साइन इधर चला गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यहाँ एक साइन बचा है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा वापस क्या होता है, देखो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है टेन थीटा, तो इसकी जगह पर तो आ गया टेन थीटा इंटू एक बटा कॉस थीटा, तो एक बटा कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो इसकी जगह वापस लिख दो सेक थीटा। इंटू का यहाँ पर मैंने पॉइंट लगा दिया, यानी ये इंटू में ही है, अच्छा दिखता है और कुछ नहीं, हमें यही लाना था, देखो टेन थीटा इंटू सेक थीटा है ना, तो एल एच एस बराबर आर एच एस। प्रश्न संख्या 14, इस प्रश्न में क्या हुआ कि थीटा की जगह एल्फा आ गया, यानी पहले थीटा था अब क्या आ गया एल्फा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रश्न वैसे ही सॉल्व होंगे जैसे होते थे। तो हमें एल एच एस लेना है और क्या लाना है, आर एच एस लाना है। अब इसमें देखो टेन और कॉट के पद है, तो टेन कॉट को किस में बदलना है, साइन थीटा, और कॉस थीटा में बदलना है, अपना आप सरल हो जाएगा आपका प्रश्न। तो चलो इसको सरल करते हैं, क्या करना, देखो सबसे पहले एक का एक ही रहेगा, वन माइनस टेन स्क्वायर एल्फा, यहाँ स्क्वायर नहीं है, है ना, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा आएगा, लेकिन इन दोनों पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ लिख दिया हमने साइन स्क्वायर एल्फा बटा कॉस स्क्वायर एल्फा, फिर नीचे बट्टा, ये वाला बट्टा आ गया, इसको हमने किस में बदल दिया, साइन और कॉस में बदल दिया, इसे भी साइन कॉस में बदलेंगे, तो कॉट एल्फा क्या होता है, कॉस एल्फा बट्टा साइन एल्फा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर एल्फा, क्योंकि इस पर वर्ग है तो इस पर भी आएगा, फिर साइन स्क्वायर एल्फा, फिर माइनस एक, ये तो हो गया। अब ये बट्टे वाली संख्या, तो इसको भी बट्टा एक कर दो। अब इसको अगर आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा हो गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक आइडिया दे रहा हूँ, इस बट्टे के ऊपर वाली संख्या तो ये हो गई, और इस बट्टे के नीचे वाली संख्या ये हो गई, है ना। अब इस जो बड़ा बट्टा है, इसको आप बना दो भाजक, क्या बना दो, भाजक। अब इस बट्टे के ऊपर वाली संख्या को इस भाजक के इधर लिखो, तो क्या आ गया, एक बटा एक माइनस साइन स्क्वायर एल्फा बट्टा कॉस स्क्वायर एल्फा, ये हो गया, फिर यहाँ भाजक आ गया। अब इस भाजक के जो नीचे वाली संख्या है बट्टे के, वो इधर लिखो, ये हो गया आपकी कॉस स्क्वायर एल्फा बट्टा साइन स्क्वायर एल्फा माइनस एक बटा एक, साइन कॉस में बदल दिया, बट्टे वाली संख्या है, अब क्या लेना है, एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेंगे। देखो एलसीएम आपको बताया है क्या करना है, एलसीएम में नीचे वाली संख्या करो गुणा, तो एक का किसी से भी गुणा करो वही आता है, ये हो गया कॉस स्क्वायर एल्फा। अब क्रॉस गुणा, एक का इससे कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस इसका इससे साइन स्क्वायर एल्फा, हो गया ये। अब इसका करेंगे,
तो एक का पहले दोनों का गुणा करो नीचे, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू एक साइन स्क्वायर अल्फा, यही आएगा। अब क्रॉस गुणा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस इसका इससे गुणा साइन स्क्वायर अल्फा। अब इस भाग को किस में बदलना है, इनटू में। ऐसा करने से क्या होगा, ये संख्या क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो इसको तो छेड़ना ही नहीं है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बट्टे कॉस स्क्वायर अल्फा, भाजक का क्या हो जाएगा इनटू, और ये उल्टी हो जाएगी संख्या। तो हो गया साइन स्क्वायर अल्फा बट्टा, ये नीचे आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब अगर अपन ध्यान से देखें, है ना, तो ये पूरी संख्या और ये पूरी संख्या समान है और बीच में इनटू है, तो इसे हम काट सकते हैं, ये संख्या और ये संख्या पूरी कट गई। अब ऊपर क्या बचा, यहाँ एक बचा, ध्यान रखना। तो इसका एक से गुणा किया तो क्या आया, साइन स्क्वायर अल्फा बट्टा, एक से गुणा किया कॉस स्क्वायर अल्फा। अब दोनों पर स्क्वायर है तो बाहर निकाल दो, ये हो गया साइन अल्फा बट्टा कॉस अल्फा, और घात का निकाल दी, बाहर निकाल दी। अब साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा को अपन क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फा लिख सकते हैं, थीटा नहीं, अब अल्फा है, ध्यान रखना। तो ये हो गया टेन अल्फा, और ये जो वर्ग था इस पर भी आएगा, इसको हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर अल्फा, यही हमें लाना था। तो इस प्रकार हमने कर दिया एल एच एस बराबर आर एच एस इति सिद्धम। प्रश्न संख्या 15, देखो इस प्रश्न में पहले से साइन और कॉस में बदला हुआ है और उत्तर भी साइन और कॉस में ही आ रहा है, तो अब इसे साइन और कॉस में अपन बदल तो सकते हैं नहीं। और अगर इस प्रश्न को ध्यान से देखें तो यहाँ तो है 1 माइनस कॉस थीटा, लेकिन ऊपर है 1 प्लस कॉस थीटा, तो क्या कर सकते हैं, तो इसको सोचना। अबे आगे प्रश्न मिलाते, देखो साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा को वापस लिखेंगे एल एच एस लेने पर, तो ये हो गया साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब मुझे ऊपर ये लाना है, तो हमने एक परिमेयकरण पढ़ा था, उसमें रूट को हटाने के लिए, वर्गमूल को हटाने के लिए ऊपर नीचे किसका गुणा करते हैं, इसकी ऑपोजिट संख्या का गुणा करते हैं, है ना। जैसे 1 माइनस कॉस थीटा है तो गुणा किसका होगा, 1 प्लस कॉस थीटा का गुणा होगा। तो वही काम यहाँ पर करना है, ऐसे करने से ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। अब अगर नीचे अपन गुणा करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा का, तो ऊपर भी हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ऐसा करने से क्या होता है, देखो अगर मैंने लिखा a बटा बी, तो क्या मैं यहाँ 2/2 भी लिख सकता हूँ ना, वापस देखो ये कट गया, उत्तर कितना आया a बटा बी। तो ऐसा अपन कर सकते हैं, है ना। अब इसको करते हैं आगे, तो इसका गुणा तो इस पूरे से हो जाएगा और इसका गुणा इस पूरे से हो जाएगा, है ना। अब यहाँ देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसकी सर्वसमिका क्या होती है, ए की घात 2 माइनस बी की घात 2। तो इसको तो हमें छेड़ना है नहीं, क्योंकि ये कटेगा आगे जाके। तो ये हो गया साइन थीटा, गुणा मत कराना क्योंकि उत्तर तो ये चाहिए अपने को, 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा। अब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको लिख सकते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए तो कितना है 1, बी कितना है कॉस थीटा, हो गया। इसको सरल करो तो ये हो गया साइन थीटा कोष्टक 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वापस पहला सूत्र, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, यहाँ कॉस है, इसका मतलब ये कॉस कहाँ जा रहा है, उस साइड में जा रहा है, तो बचा क्या यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये तो दोनों अपनी जगह है, ये उधर चला गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी इसकी जगह पर मैं ये भी लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों बराबर है, तो इसकी जगह मैं ये लिखूँगा, तो साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ कितने साइन है, 2 साइन है, ऊपर एक है और दोनों इंटू में, तो ये साइन और ये साइन कट जाएगा। तो अब फाइनली अपने पास क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, और यही हमें लाना था और हम लेके भी आ गए। तो इस प्रकार से हमने किया एल एच एस बराबर आर एच एस। यदि मेरी वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।